हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इस फूड एस आई यानी कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की फूड सब इंस्पेक्टर की इन वीडियो को आप देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोज़ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जो भी कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है वो आपके किसी न किसी काम आ रहा होगा जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जो जी जो फिफ्टी मार्क्स का फूड सब इंस्पेक्टर में है उसकी पूरी सीरीज चल रही है मैथ्स भी आने वाली है ठीक है तो उस उस सीरीज़ की कड़ी में जो अगली कड़ी आज की है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन केवल इसी क्लास फाइव में ही खत्म नहीं हो जाएंगे बल्कि इसके बाद जो रैंडम जी जो मिस्टेनियस जी आ रहे हैं उसमें भी संविधान के बहुत सारे सवाल और बाकी स, जो विषय हैं उनसे भी सारे सवाल जो है आपको मिलेंगे तो आज का सेशन यहाँ शुरू होगा जहाँ क्लास फाइव से स्टार्ट करेंगे जहाँ हम लोग केवल इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को हम लोग आज देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, है, आर्टिकल 359 right सवाल कहता है कि आर्टिकल तीन नंबर जो हमारे संविधान में है ठीक है ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के एनफोर्समेंट के लिए पुनर् अधिकार दिलाने के लिए जो एक अधिकार है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं तीन सौ उनसठ नंबर आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो इस राइट को कोर्ट में जाकर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के अधिकार को सस्पेंड कर सकता है और ये कब कर सकता है यानी राष्ट्रपति जो है ये काम कब कर सकता है अ नेशनल इमरजेंसी अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स अ फिनेंशियल इमरजेंसी नॉन ऑफ द बहुत ही बढ़िया बहुत ही उमदा सवाल है इस सवाल का जवाब करने का प्रयास करें क्या होगा किस समय राष्ट्रपति जो है ये काम कर सकता है है कि आप कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए नहीं जा सकते ठीक इसका इसका सही सही आंसर आंसर क्या होगा इसका सही होगा आपका नेशनल इमरजेंसी जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं सी अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन जब एमरजेंसी की घोषणा जब कार्यरत हो

जो भी आ, मुद्दे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में पेंडिंग है या आपने कोर्ट में दावा किया है ये सारे जो है नेशनल इमरजेंसी के समय या जब तक ये इमरजेंसी इन्फोर्स रहती है चाहे कितने भी पीरियड के लिए हो तब तक ये जो राइट जो है किसी भी इंसान का राइट जो है ये सस्पेंड रहेगा ये कब रहेगा जब देश पे कोई आपातकाल की स्थिति हो जाए नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति जो है घोषित कर दे ठीक है अगला सवाल है

तो दूसरों के समय को भी अपने समय में कानकर जो बोलता रहता है उस समय स्पीकर को आगे उन्हें, रोकना पड़ता है। उन्हें कहना पड़ता है floor, floor, order, या तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब स्पीकर एक व्यक्ति को बोलने से मना करता है उसे यह उसे कहा जाता है कि आप दूसरे मेंबर को बोलने दीजिए उन्हें आप उनका समय दिया गया है, उनको बोलने दीजिए

चेयर विच इज कंसिडर ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री यानी कि पार्लियामेंट्रीक्विटी संसदीय एक सभ्यता होती, है, एक तरीका होती एक होता है, होता है उस समय कोई सभ्यता को है, को है उसके, उसके प्रणाली के खिलाफ होता है इसे कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर नाम से मालूम चल रहा है क्या हो रहा है तो पार्लियामेंट्री एटिक्विट के खिलाफ है पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर

और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है कि अगर किसी मेंबर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर किया है तो वैलिड है कि वो नल एंड वॉयड है क्या है इसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन नाम से ही देखिए विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस आपने देखा होगा कई बार प्रधानमंत्री या किसी अगर गृह मंत्रालय का है या आ, आप सुरक्षा मंत्रालय का है या रेलवे मंत्रालय का है शिक्षा मंत्रालय का है किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई भी अगर इम्पोर्टेंट मुद्दा है सवाल है तो उस मिनिस्टर का ध्यान को आकर्षित करने के लिए कि ये जो मुद्दा है ये नेशनल इम्पोर्टेंस है इस पे आप सुनिए इस बात को तो क्या कर सकता है किसी भी मिनिस्टर के ध्यान को जो है उसकी ओर आकर्षित कर सकता है अगर कोई मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है द मिनिस्टर मे मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द मैटर और ही मे आस्क फॉर द टाइम टू मेक अ स्टेटमेंट लेटर और मंत्री से यह सवाल पूछा गया है या तो वो इस सवाल का जवाब संक्षेप में दे सकते हैं या पार्लियामेंट से समय मांग सकते हैं कि मुझे इस सवाल पे जवाब देने का थोड़ा समय दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द मेंबर नंबर ऑफ लोकसभा इंक्रीज फ्रॉम फाइव ट्वेंटी कह रहा है संविधान का जो अमेंडमेंट होता है संविधान को जो संशोधित किया जाता है समय समय पे जब देश की जरूरत पड़ती है उसे उसके नियमों को बदलने की नए नियम ऐड करने की तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है संवैधानिक नियम धारा है जिसके तहत लोकसभा की जो सीट थी उसे 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी वो कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था द अमेंडमेंट एक्ट ठीक है द फोर्टी 42 सेकेंड बयालीसवें संशोधन जो कि उन्नीस क्षेत्र में हुआ था काफी फेमस है द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट चौवालीसवा जो उन्नीस में हुआ था थर्टी फर्स्टिट्यूशन सेवेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट तो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है लोकसभा की सीट को 525 सौ पच्चीस से बढ़ा के पांच सौ पैंतालीस किया गया इसका आप दे रहे होंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्टी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि उन्नीस सौ तिहत्तर में हुआ था इस amendment के द्वारा द सीट्स ऑफ लोकसभा वॉज इंक्रीज पांच सौ पच्चीस से पांच सौ पैंतालीस जब भी वर्तमान में है कर दी गई लेकिन ऐसा करने पर हुआ क्या कि जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि जो है लोकसभा में आता है उसकी सीट को क्या किया गया 25 से घटा के 20 कर दिया गया यानी एक तरफ तो सीट को 525 से 545 किया गया लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है जो कि पहले 25 था उसे क्या किया गया 20 किया गया ताकि थोड़ा बैलेंस किया जा सके ठीक है तो आंसर होगा थर्टी फर्स्ट संवैधानिक नियम उन्नीस द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन फिफ्टी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पहला जो पिछड़ा जो वर्ग आयोग है वो उन्नीस में स्थापित किया गया था उस समय इस कमिटी के चेयरमैन कौन है किसके चेयरमैनशिप में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया गया उन्नीस सौ में ठीक है ऑप्शंस आपके हैं दीपक कटोले एस के खाराबंथन काका कालेलकर शकील उस जमान अंसारी ये चारों में से आपको एक आंसर बताना आंसर आप करते जाए सवाल आप देख लिए तो मेरे पढ़ने का वेट ना करें अगर आप सवाल पढ़ ले तो आप जल्दी से जवाब दे इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा आपका श्री काका कालेलकर जिसका मैंने पूरा आपको डिटेल यहाँ पे दे दिया है आप पढ़ सकते हैं उस समय इन्हें पॉपुलरली जो है काका कालेलकर कमीशन कहा जाता था इन्हीं के नाम से कमीशन का नाम पढ़ा काका कालेलकर कमीशन फेमसली ठीक है और द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज सेटअप बाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ठीक है राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक जो है आर्टिकल नंबर तीन सौ चालीस संविधान यानी कि ऑन uh, जनवरी 29 1953 सौ जनवरी 1953 को भारत के संविधान के 340 नंबर आर्टिकल के द्वारा जो है श्री काका कालेलकर के चेयरमैनशिप में जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो है स्थापना हुई द कमीशन वॉज डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू बी एडॉप्टेड टू प्रोवाइड कंसेशन रियायतें देने के लिए किसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो सामाजिक रूप से शिक्षा सिक्ष, के रूप से काफी पिछड़े वर्ग में आते हैं The and have, SC और ST को तो दिया जाता ही है इनके अलावा जो और कितने व जो सामाजिक रूप से और एजुकेशनली पिछड़े हैं एस सी एस टी के अलावा उनकी भी एक सूची बनाई जाए इसलिए आप देखते होंगे हर स्टेट में जो है एस सी एस टी के अलावा बाकी जो बैकवर्ड का उस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं

बर ऑफ पार्लियामेंट को हटाया डिस्कवालीफाई किया सकता है एक एम को भी डिस्कवालीफाई किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर यह कहाँ कहा गया है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेल्थ शेड्यूल ऑफ द यानी कि भारत की कौन सी अनुसूची कई सारी अनुसूची है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज से क्लास में किस अनुसूची में कहा गया है तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टेंथ शेड्यूल ऑफ द कांसि यानी कि संविधान में जो हमारी दसवीं अनुसूची है

ये जो है गिव्स एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इसमें क्या है तीन लिस्ट देखिए तक सेवन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और शक्तियों का जो विभाजन है और किन किन मुद्दों में विभाजन होगा किन किन सब्जेक्ट्स पे विभाजन होगा केंद्र के पास क्या शक्तियां रहेंगी स्टेट के पास कौन शक्तियां रहेंगी ये कहा गया है और इसी सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट आते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनक लिस्ट यूनियन लिस्ट वो है जिनको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है और इसमें संतानवे ऐसे विषय हैं जिन पे केवल केंद्र सरकार को अधिकार है नियम बनाने का स्टेट लिस्ट की हम बात करें यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात करता है इसमें छियासठ विषय हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है और एक कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों दोनों, दोनों, के और राज दोनों का अधिकार होता है कि दोनों मिलकर इसके ऊपर नियम बनाए ठीक है इसमें ऐसे सत्तासी विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कि इस पर नियम बनाए ट्वेल्थ शेड्यूल की हम बात करें ठीक है इसे सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट उन्नीस सौ बानवे के द्वारा ऐड किया गया था और इसमें क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में जो है सभी बातें बताई गई हैं तो देखिए हमने आंसर हमने टेंथ दिया जो एम पी एम एल ए को जो हटा दिया जाता है डिस्कवालीफाई कर दिया जाता है पर हमने इलेवेंथ ही पढ़ा पंचायती राज के बारे में ट्वेल्थ इलेवन में पंचायती ट्वेल्थ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सेवेंथ में यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट और एलोकेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में कहा गया है तो सिर्फ हम ये ही जी के कवर नहीं कर रहे हैं बल्कि और भी कई सारे जीके हैं जहाँ से पूछे जा सकते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या होता है स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगला सवाल है आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन फॉर द एबोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ कह रहा है कि एक नंबर जो संविधान की धारा है ये एक ऐसा प्रोविजन देती है जिससे हम किस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसका उन्मूलन कर सकते हैं पूरी तरह से उसको हटा सकते हैं स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द लोकसभा स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा स्पेसिफाइड फंडामेंटल ड्यूटीज लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स ठीक है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स यानी कि राज्य में ज़्यादा नहीं आई थिंक छह या सात ही राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे बाइक हेमरा लेजिस्लेश यानी जहाँ पे दोनों सभाएं हैं विधानसभा विधान परिषद लेटिव काउंसिल ले एंड असेंबली लेटिवेटिव काउंसिल की अगर जरूरत नहीं है तो स्टेट गवर्नर के केवर्नर को कहता है कि कि वो रेकमेंड करे कि हमें हमारे राज्य में काउंसिल की जरूरत नहीं है तो आर्टिकल एक उस राज्य से हटा दिया जाता है और अगर जरूरत है तो इसी आर्टिकल का कर इस्तेमाल करके उसको वहां बना दिया जाता है ठीक है तो जहां पे केवल दोनों है उसे बाईके स्टेट कहते हैं जहां पे केवल एक होता है और एक कौन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली जहां एम बैठते हैं

स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ सीट्स द राज्यसभा तो हम रा, की हम बात कर रहे हैं तो ये, ये के अंदर आ ये आ 80. जब हम के सीट्स की बात करते हैं किसकी एटी वन की राज्यसभा एटी वन में लोकसभा और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आर्टिकल नंबर कितना हो जाएगा फिफ्टी वन ए और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये आर्टिकल नंबर हो गया एक सौ उनहत्तर विधान परिषद को क्रिएट भी कर सकती है या इसको गवर्नर के रिकमेंडेशन पे जो कि स्टेट देती है स्टेट कहती है गवर्नर को लिख के देती है इसे हटा भी सकती है तो बताइए इसे भी एक जीके नहीं है कई सारे जीके हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत काम आ सकता है ठीक है आगे देखते हैं विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्पेशल प्रोविजन टू एस सीज एस एंग्लो इंडियन कह रहा है भारत की संविधान का वह कौन सा पार्ट है जो स्पेशल प्रोविजन विशेष सुविधाएं देता है एस को एस को ओ और एंग्लो इंडियंस को आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं चार ऑप्शन देख सकते हैं इसका सही आंसर करने का प्रयास करें वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं काफ़ी लंबा सेशन होगा इसका सही आंसर क्या होगा पार्ट सिक्सटीन जहाँ पे हम आर्टिकल तीस से लेके आर्टिकल बयालीस तक एस सीज एस टीज ओ और एंग्लो इंडियंस में को डील करने वाले अलग अलग प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं पार्ट सिक्सटीन क्या है 330 से 342 जो है आर्टिकल ये डील करता है स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस पार्ट सिक्स जो है एक से दो नंबर जो आर्टिकल है डील करता है states, कौन -कौन प्रोविजन टू द स्टेट राज्यों को पार्ट नंबर 18 जो है जो तीन सौ बावन से तीन सौ साठ आर्टिकल डील करता है प्रोविजंस टू इमरजेंसी कौन कौन सी है और पार्ट नंबर 14 ए जो है जहां तीन सौ तेईस ए आर्टिकल से लेकर तीन सौ तेईस बी आर्टिकल को पढ़ते हैं यह हम लोग करते हैं प्रोविजन टू ट्रिब्यूनल जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे फिलहाल यहाँ पे हम लोग फूड ऐसा के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल से हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका डिटेलिंग आपको नोट कर ले कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर एंड मौलिक अधिकारों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी दिए जाते हैं ये भी मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है वो किस धारा के अंदर है आर्टिकल पंद्रह आर्टिकल उन्तीस से तीस आर्टिकल अठारह या फिर आर्टिकल फोर्टीन किस में कल्चरल और एजुकेशन राइट्स की बात की गई है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका आर्टिकल उनतीस और आर्टिकल तीस जिसकी डिटेल मैंने दे दी है उनतीस में पार्ट वन है उनतीस में पार्ट टू भी है उनतीस का जो पार्ट वन है जिनका भारत में ऐसे नागरिक जिनका अलग सा कल्चर है लैंग्वेज है स्क्रिप्ट है उनको अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज को अपने कल्चर को स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं

भाषागत रूप से अल्पसंख्यक है उनको अधिकार है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थाएं जो है अपने चॉइस से बना सकते हैं जो कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इंडिया जो है इसे लिंक है ठीक है तीस का दो जो है रिलीजन और लैंग्वेज चाहे धर्म के आधार पे हो चाहे लैंग्वेज के आधार पे हो अगर कोई अल्पसंख्यक है तो जब भी सरकार कोई अनुदान देती है ग्रांट देती है तो उसमें वो इस बेसिस को ना रखे कि हाँ ये जो संस्था है इसे माइनॉरिटी चलाती है हम इसे नहीं देंगे कोई भी सरकार जो है इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकती द वर्ड इक्वलिटी लिबर्टी एंड इन द फेटर्निटीय टू दूशन ऑफ इंडिया है कि हमारे भारत की का जो प्रियम्बल है जो प्रस्तावना है जो कि इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आत्मा कहते हैं यहाँ पे जो वर्ड है इक्वलिटी लिबर्टी और फटर्निटी ये Uh, किस संविधान से ली गई है कनाडियन फ्रेंच स्पेनिश या फिर ऑस्ट्रेलियन कहाँ से लिया गया है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका फ्रेंच ये फ्रेंच जो संविधान है वहीं से इक्वलिटी लिबर्टी और फेटर्निटी की भावना ली गई फेटर्निटी का मतलब होता है जो भाईचारा है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री अपने देश से एक लगाव सभी एक साथ भाईचारा जो होता है इक्वलिटी मतलब समानता समाज में सबको एक ही तरह से प्रिविलेज मिलेगा लिबर्टी यानी कि आज़ादी है ना भारतीय नागरिक होने के चलते आप ना कोई भी काम कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इनमें से कौन हमारे भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण है फेडरल फीचर है फेडरल फीचर है फेडरल फीचर का मतलब होता है जहाँ पे पावर्स जो होते हैं वो यूनियन और स्टेट दोनों में डिवाइड होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं उसे संघीय ढांचा कहते हैं हो गया पूरा पूरा का पूरा जो पावर होता है वो केवल केंद्र के पास होता है ठीक है ना तो हमारे यहाँ पर तो क्वासी फेडरल है यानी फ्लेक्सिबल इस तरह से है तो भारतीय संविधान का संघीय ढांचा की बात करें गुणों की बात करें तो कौन इसमें जो है जो एक फेडरल फीचर है तो ये है कि हमारे देश का एक लिखित संविधान है क्या है हमारे देश का एक लिखित संविधान है ये भारतीय संविधान का फेडरल होने का एक लक्षण है कि इसका लिखित संविधान है ठीक है देखिए फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर में डिफरेंस मैंने दे दिया है फेडरल फीचर में डुअल पॉलिटी होती है इसमें स्ट्रोंग सेंटर होता है डुअल पॉलिटी का मतलब जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य के बीच बटी होती है और कई मुद्दों पे केंद्र अपने नियम बना सकता है कई मुद्दों पे राज्य अपने नियम बना सकता है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे दोनों अपने नियम बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब जहाँ पे केंद्र बहुत पावरफुल होता है

पर यहाँ जो हमारा फेडरल फीचर है जुडिशरी एकदम आज़ाद है यहाँ बाई कैपरलिज्म होता है यानी कि विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा होता है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज इसमें यूनिटिटी का फीचर है तो आप देखेंगे कि हमारे देश में दोनों के गुण है हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज भी है आई ए एस आई पी एस आई एफ एस आई आर एस भी होता है बाई कैमरलिज्म भी है है नहीं हाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है सिंगल सिटीजनशिप भी है इमरजेंसी भी है फ्लेक्सिबिलिटी भी है रिजिट भी है कई मामलों में डिविजन ऑफ पावर भी है तो दोनों दोनो, दोनो के दोनों दोनों के फीचर्स हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोविजन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हैज बिन बोरोड फ्रॉम फॉलोइंग हमारे संविधान में प्रोविजन है कि सेंटर केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशनशिप है और जो डिविजन ऑफ पावर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ये जो बातें हैं ये जो गुण है ये किस कंट्री से लिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की जो बात की गई ये किस संविधान हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सभी देशों से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो है यहाँ पर शामिल की गई है तो ये कहाँ से लिया गया है ये जो बात है ये लिया गया है आपका कनाडा से कहा से गया है, जो है ये कनाडा के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है देखिए पे देखिये जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से क्या लिया है हमने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आपको पता होगा कि जब दोनों कोई बिल पास नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है उसको चेयर करते हैं और दोनों सदनों का ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं ठीक है कंकरेंट लिस्ट ये कंकरेंट अभी हमने पढ़ा कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे केंद्र और सरकार दोनों नियम बना सकते हैं और ऐसे सैंतालीस विषय है तो ये सारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सोवियत की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सोवियत से लिया गया है फ्रांस की बात करें तो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फेटर्निटी जो प्रियमल में दिया है वो है आयरलैंड की बात करें तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर तो टू राज्यसभा मालूम है राष्ट्रपति राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं समाज से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये तीनों जो है ये आपका कहां से लिया गया है आपका ये आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कि यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये चार जो है यहाँ चारों से क्या क्या जो है लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून जिसकी बात आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल में आ, सरकार जो है इसको लाने की बात कर रही है कि कोई भी रिलीजन हो कुछ भी हो एक देश एक कानून वन नेशन वन रूल जिसे हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं तो ये भारत के संविधान के किस पार्ट में ये बात कही गई है पार्ट सिक्स पार्ट फोर पार्ट टेन और आपका पार्ट थ्री ठीक है तो ये कहाँ किस में कहा गया है इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपका पार्ट फोर यानी भारत के संविधान के पार्ट फोर में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है डी पी एस पी में भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं जहाँ पे जिस जहाँ पे आर्टिकल फोर्टी फोर में इसकी बात कही गई है देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्पेसिफली मेंशन करता है पार्ट फोर आर्टिकल फोर्टीन जो भारत का संविधान है वहाँ इसके बारे में कि सबके लिए समान कानून होगा धर्म जाति के आधार पर किसी के लिए अलग कानून नहीं बनाए जा सकते आर्टिकल फोर्टी फोर कहता है

देश में अगर कानून बनता है तो वो सभी पे समान तरीके से लागू होगा जहां तक वर्तमान की बात करें द पर्सनल लॉज ऑफ़ वेरियस कम्युनिटीज आर गवर्न बाई द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बहुत सारे अपने अपने व्यक्तिगत कानून हमारे देश में इस वक्त चल रहे हैं अलग अलग धर्म जाति के लोग अपने अपने कानून को लेकर चलते हैं जो धर्म में धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने नियम कानून चलाते हैं वो सरकार के नियमों को नहीं मानते विच अमंग्स द फॉलोइंग एम्स एट स्ट्रक्चर फॉर इंडिया बोला कि इनमें से कौन है जो जिसका लक्ष्य है भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना जहां पे केंद्र भी होगा और राज्य भी होंगे दोनों में चक्तियाँ जो है बटी होंगी किसके, किसके द्वारा जो है ये इसका लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन इंडियन काउंसिल एक्ट उन्नीस साइमन कमीशन नाइन उन्नीस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस तो इनमें से किसके द्वारा जो है यह लक्ष्य लाया गया था कि भारत जो जो ढांचा होगा संविधान का वो एक संघीय ढांचा होगा फेडरल होगा सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं छोटा संविधान भी कहते हैं सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन अगला सवाल है द सेपरेशन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रेफर टू एज कह रहा है कि धर्म और सरकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह का प्रोत्साहन काम नहीं कर सकती है ठीक है धर्म के आधार पर इसे क्या कहते हैं मनार्की कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं सेकुलरिज्म कहते हैं या फिर इसे हम रिपब्लिक कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या होगा ये आपको पता है कि धर्म अलग है सरकार अलग है यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष होने की हम बात कह रहे हैं यानी कि हम सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं अगला सवाल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द कांस्टिट्यूशनल असेंबली ऑन कह रहा है कि द कॉन्स्ट भारत का संविधान जो है वो संवैधानिक सभा के द्वारा कब पास किया गया था बहुत ही आम सवाल और फूड एसआई में आने के बिल्कुल लायक ये सवाल क्या होगा इसका सही जवाब इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 जिसे हम लोग एडॉप्शन डे भी कहते हैं जिसे हम लोग एडॉप्शन डे भी कहते हैं 26 नवंबर 1949 को हम लोग हमने हमारे संविधान को क्या किया था एडॉप्ट कर लिया था छब्बीस जनवरी उन्नीस उन्नी जो पचास है हमने क्या हुआ था देश को दे दिया था यानी कि रिपब्लिक हो गया था जो कि आपको यहाँ पे ने दिया हुआ है उस समय तीन सौ पंचानवे आर्टिकल थे ओरिजिनली हमारे भारत के संविधान में प्रेजेंटली चार सौ अड़तालीस आर्टिकल है इस वक्त और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हाथों से लिखा गया था हिंदी में और इंग्लिश में और इसको जो कैलीग्राफी है जो हैंडराइटिंग आप देखते हैं वहां पर ध्यान से देखें काफी सुंदर उसमें आकृतियां बनाई गई है ये किसने किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में इन विच ईयर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इन इंडिया किस साल भारत में एन एच आर सी यानी कि राष्ट्रीय मानवा अधिकार आयोग का स्थापना भारत में हुई थी किस साल हुई थी उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे दो हजार और दो हजार दो बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन करते हैं जो एक्शन लेता है का। और सरकार को इनकी बात सुननी पड़ती है ये जो है लाया गया था आपका उन्नीस में क्या लाया गया था उन्नीस में देखिए जहाँ तक अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात है एक सिलेक्शन कमेटी जो है रेकमेंड करती है द द रेकमेंड राष्ट्रपति को रेकमेंड करती है कि इनके मेंबर्स कौन कौन होंगे सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर होता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं एंड लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके मेंबर्स भी होते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये किस पार्ट में इसका उल्लेख है कि भारत भारत में जो संविधान में जो अलग अलग जो पार्ट दिया हुआ है जो भाग दिए हुए हैं उसे किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है पार्ट 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 पता है बहुत है बहुत ही आसान इसका इसका सही आंसर होगा, होगा आपका पार्ट थ्री सही आंसर क्या होगा आपका पार्ट थ्री देखिए फंडामेंटल राइट इन ऑफ इंडिया इन पार्ट थ्री पार्ट थ्री में बोला गया है और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल पैंतीस ट्वेल्व थर्टी डील करता है फंडामेंटल राइट्स को अभी हमने पढ़ा आर्टिकल आर्टिकल नंबर उन्तीस सौ तीस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मेंबर लोगों को मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया भारत में मौलिक अधिकारों का जो तो जनक है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है इंडिया एडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा को ली गई है फंडामेंटल राइट जो होते हैं जस्टिसबल होते हैं आर्टिकल नंबर बत्तीस के अनुसार यानी अगर आपका कोई स, कोई भी सरकारी मुलाजिम या किसी भी तरह से आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर बत्तीस जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है आर्टिकल नंबर बत्तीस की बत्तीस का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट आपको आपका फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्स करा के देगा ठीक है लेकिन यही यही राइट नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया जाता है जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो होते हैं इन्हें गार्जियन बोला जाता है फंडामेंटल राइट right से क्या बोला जाता है गार्जियन हम यहां पे एक क्वेश्चन के अलावा कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं सिक्स फंडामेंटल रिकोगनाइज किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा एक है राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार आज़ादी का अधिकार राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोडेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट टू फ्रीडम रिलीजन यानी कि धर्म धर्म की स्वतंत्रता कल्चरल एंड जो कि 29 से लेकर 30 नंबर आर्टिकल जो हमने पढ़ा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार एंड राइट टू रेमेडी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार ये छह सिक्स फंडामेंटल राइट जो है इस वक्त भारत संविधान में है

तो कौन से आर्टिकल में अधिकार दिया गया है कि रोजगार प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है यह दिया गया है आर्टिकल नंबर 16 क्या दिया है आर्टिकल नंबर 16 हम बारी बारी से हर जितने भी अधिकार है हम देख सकते हैं देखिए जहां तक आर्टिकल नंबर 13 की बात है लॉज आर इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 15 आपका उसके बाद आपका सत्रह अठारह उन्नीस बीस यहाँ पे सोलह मिस हो गया है खैर जो भी हो सारे अधिकार आर्टिकल नंबर और उनकी डिटेल मैंने दे दी है इसकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल चिंता ना करें आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे पर वीडियो जरूर देखें ठीक है ऑफ द द फॉलोइंग विल नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन हिस्सा नहीं ले सकता है तो जो एक होगा जो नहीं ले सकता है बाकी तीन इसमें हिस्सा ले सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट मेंजिस्लेटिव असेंब्ली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट स्टेट काउंसिल इलेक्टेड लोकसभा मेंबर सही जवाब क्या होगा सही जवाब होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अभी हमने पढ़ा है नंबर आर्टिकल से सरकार जो है किसी राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा सकती है एबुलिश कर सकती है उसे दोबारा बना सकती है अगर

राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर तो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा राज्य का ठीक है इन तीनों ये तीनों ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा ले सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर बावन आर्टिकल कहता है कि देश का राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल नंबर तिरपन कहता है कि राष्ट्रपति के कौन कौन से पावर होंगे तो बावन नंबर मतलब द प्रेसिडेंट के बारे में है तिरपन नंबर पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली इनका सीधे सीधे इनका इलेक्शन नहीं होता है बाय द पीपल लोग इसका चुनाव नहीं करते हम और आप राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते पर हमने जिनको चुन के लोकसभा में भेजा है फिर लोकसभा के वो जो राज्यसभा में जाके मनोनीत होते हैं पार्टीज के द्वारा कुछ क्राइटेरिया को लेके और जिस एम को हमने चुन के भेजा है ये सारे लोग हमारी तरफ से जो है अपना वोट जो है वहां देते हैं ताकि राष्ट्रपति के चुनाव हो जाए इसके लिए एक इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाता है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर है चुने हुए जो सदस्य हैं वो हिस्सा ले सकते हैं उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है राज्य का जो विधानसभा होता है बैठते हैं के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें ले सकते हैं एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑन दिल्ली एंड पुडुचुरी और कह रहा है जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचुरी जैसे वहां के इलेक्टेड चुने हुए सदस्य विधानसभा के हिस्सा ले सकते हैं तो यह है इंपॉर्टेंट द प्रिइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इसको लोकसभा का जो प्रिडिंग ऑफिसर होता है ठीक है वो क्या कहलाता है द चेयरमैन द द स्पीकर दी चेयरमैन द दुटी स्पीकर तो सही जवाब क्या होगा इसका ये फिर से वही बात यहाँ पे आ गई है उसे हम लोग कहते हैं द स्पीकर ये पहला वाला जो प्रेजेंटेशन uh, है प्रेसिडेंट के बारे में वो आ गया खैर तो जो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम स्पीकर कहते हैं सभी को स्पीकर को ही संबोधित करके बात कहता है विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू एजुकेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भारत संविधान का जो संशोधन कानून है जो संविधान को समय समय पे जो सुधार किए जाते हैं नियम ऐड किए जाते हैं नियम निकाले जाते हैं वो तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन को

विच आर द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट फॉल ऑफ लोकल बॉडीज इनमें से कौन सा फंक्शन है ठीक है जो कि जो स्थानीय निकाय होते हैं जहां आप रहते हैं वहां पे जो पंचायत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी है जो स्थानीय लोकल बॉडीज है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहे हैं उसके दायरे में नहीं आता है क्या नहीं आता है लोकल निकाय उस पर कोई कुछ भी नहीं कह सकती है या उस पर कोई कार्य नहीं कर सकती है पब्लिक हेल्थ लॉ एंड ऑर्डर सैनिटेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तो बहुत ही आसान है जो आपके लोकल निकाय होते हैं जो लोकल निकाय होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पे उनका उनका दायरा नहीं होता है हाँ लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड साफ़ सफाई और जो बच्चा बच्चा जन्म लेता है या जो लोग मारे जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार आपके स्थानीय निकाय में होता है अगर आपके पास ग्राम पंचायत है वहाँ होगा तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट पब्लिक हेल्थ डिस्पेंसरी अस्पताल सब कुछ होता है जहाँ पे सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ की सुविधाएं दी जाती है आई सी वगैरह सारे फॉर्म होते हैं विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इंडियन टेरिटरी भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जैसे भाग तीन में हम देखा फंडामेंटल राइट भाग चार ए में देखा फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा भाग है जहां हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो सही जवाब क्या होगा पार्ट नंबर एट क्या होगा पार्ट नंबर एट ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने क्या किया जब मैं पार्ट की बात करता हूँ तो मैंने क्या किया है आपकी सुविधा के लिए सारे पार्ट को मैंने यहाँ लिख दिया है जिसकी पी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी पार्ट वन की बात करें तो यूनियन केंद्र और इसके सीमाओं की बात करता है और यह आर्टिकल एक से चार में कहा गया है पार्ट दो में नागरिकता की बात है आर्टिकल पांच से ग्यारह पार्ट तीन में मौलिक अधिकार की बात है फंडामेंटल राइट्स की बात है जो डील करता है बारह से लेकर पैंतीस नंबर धारा में पार्ट फोर में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डी की बात करते हैं जो कि छत्तीस से इक्यावन नंबर आर्टिकल में डील होता है पार्ट फोर ए में हम मौलिक अब हमारे मौलिक कर्तव्य की मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी है जो कि फिफ्टी वन ए में हम बात करते हैं एक ही आर्टिकल है आर्टिकल पार्ट फाइव में हम केंद्र सरकार की हम बात करते हैं जो कि आर्टिकल नंबर बावन से लेके आर्टिकल नंबर एक सौ इक्यावन आर्टिकल न बावन जो राष्ट्रपति की, की, की बात करता है आर्टिकल नंबर तिरपन जो राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करता है पार्ट नंबर सिक्स की हम बात करें तो राज्य सरकार की बात करता है जो कि एक सौ बावन से लेकर दो सौ सैंतीस नंबर आर्टिकल में है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो जबर प्राइमरी का जो मैंने क्लासेस ली थी वहाँ मैंने स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ है जहाँ सारे आर्टिकल को पकड़ पकड़ के मैंने चीज़ों को पढ़ाया है पार्ट नंबर एट की बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है पार्ट नंबर एट में जिसमें हम डील करते हैं दो से लेकर दो नंबर आर्टिकल पार्ट नाइन की बात करें तो पंचायत की बात करता है दो से लेकर कर दो ओ तक नाइन ए में म्यूनसिपैलिटीज की बात होती है आर्टिकल नंबर दो पी से लेकर दो तिरालीस जेड जी तक आर्टिकल नंबर नाइन बी की बात करें तो ये कोऑपरेटिव uh, सोसाइटीज की बात करता है 243 जेड ए से लेके से जेड टी तक पार, पार्ट टेन की बात करें तो ये द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं जो जनजातीय जो जो जगह हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं शेड्यूल एरियाज हैं दो से लेकर दो ए पार्ट इलेवन जो है ये केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की बात करता है 245 से लेकर दो के बीच पार्ट ट जो है पर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात करता है दो सौ चौसठ तीन सौ पार्ट की बात करें ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्ट जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन स्टेट केंद्र और राज्य के बीच जो सेवाएं जो होती है सेवाएं उनकी बात करता है तीन सौ आठ से लेकर तीन सौ तेईस आर्टिकल की बात करता है यहाँ भी कुछ और है जो पार्ट आप देख सकते हैं मैंने दे दी जहा पे आ, आर्टिकल पंद्रह बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्शंस की बात करता है ये आ सकता है क्योंकि अभी इलेक्शंस का माहौल है हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा जहाँ पे हम पार्ट नंबर इसको अठारह है में पढ़ते हैं और दूसरी बात यह है कि जो आधिकारिक जो ऑफिशियल भाषाएं होती है ये पार्ट नंबर जो है सेवनटीन में ये पूछा जाता है और संविधान को आप संशोधित कर सकते हैं संविधान का संशोधन तीन नंबर 368 जिसे हम लोग कहते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का संशोधन हो सकता है वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके मूव किया जाता है पार्लियामेंट में और ये पार्ट नंबर 20 में इसकी बात की गई है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव है हु सेट किसने कहा था सिद्धांत यानी कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी द बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग इन फ्यूचर भविष्य में हम कोई भी कानून बनाते हैं जो डिरेक्टिव प्रिंसिपल है जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है एक सिद्धांत है इसको आधार बना के रखना चाहिए किसी भी कानून को बनाने से पहले ये बात कही थी किसने पंडित नेहरू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी एन राव डॉक्टर जाकिर हुसैन तो ये बात किसने कही थी ये बात कही थी आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने यह बात कही थी कि सिद्धांत जो होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं भविष्य में किसी भी बनाए गए कानून का आधार बनना चाहिए इसको बेस करके ही बनाना चाहिए ठीक है ये था पच्चीस नंबर सवाल चलिए सवाल नंबर देखते हैं छब्बीस विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर इनमें से कौन सी बात गवर्नर के बारे में सही नहीं है यानी कि तीन बातें सही हैं एक जो है वो गलत है ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर द मिनिस्टर गवर्नर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करता है पावर टू penalty of person. उनके पास शक्ति होती है कि किसी को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे माफ किया सकता है या उसके सेंटेंसेस को खत्म कर सकता है सजा को खत्म कर सकता है रद्द कर सकता है कुछ परिस्थितियों में वो अध्यादेश लाके रूल कर सकते हैं जरूरी समझते हैं और अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो या लेटिव असेंबली सेशन में ना हो तो ऐसा कर सकते हैं द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड विद द गवर्नर राज्य के जो कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल के अंदर होती हैं तो आप बताइए कौन सी बात गवर्नर के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है कौन सी बात सही नहीं क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है इसका सही आंसर होगा कि भाई डेथ पेनल्टी वगैरह जो होता है उसको फॉर्गिव करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होता ठीक है बिल्कुल भी नहीं होता मैंने यहाँ पे दिया है ठीक है और ये जो अधिकार जो राष्ट्रपति के पास होता है ये आर्टिकल नंबर बहत्तर में इसके बारे में कहा गया है भारतीय संविधान में ठीक है वेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई छब्बीस जनवरी बावन अट्ठाईस जनवरी बावन छब्बीस जनवरी अड़तालीस अट्ठाईस जनवरी उन्नीस सौ पचास तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को बहुत ही बहुत ही बढ़िया सवाल है

सब कुछ संविधान के दायरे में रख के होगा कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं होगा ये बात 124 में कही गई है और इसका पूरा गार्डियन जो है देखरेख करने वाला केयर टेकर वो सुप्रीम कोर्ट होता है कि वो ये देखे कि वो हमारे संविधान को तार तार ना किया जाए उसको उसको उल्लंघन करे कोई काम ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आर्टिकल नंबर बत्तीस जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये बात कही थी बी आर अम्बेडकर ने कि जब आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं दबा दिए जाते हैं किसी भी कारण सरकार के द्वारा तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा जिसे हम लोग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी कहते हैं आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं अपने अधिकारों का पुनर्स्थापना करने के लिए तक, और सुप्रीम कोर्ट का टैग क्या है सुप्रीम कोर्ट का टैग है यथो तो धर्मस्तवो जया क्या है य तो धर्मस्तो तो सुप्रीम कोर्ट इज द क्या है वो संविधान का कस्टडियन है यानी कि संरक्षक करने वाला पर्सन कैन अपील जो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है अगर आपको हाईकोर्ट में अपील करना है तो आर्टिकल छब्बीस अपील कर सकते हैं सवाल नंबर अट्ठाईस भी सेम सवाल आ गया है ठीक है इसको हटाते हैं उन्तीस है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सालों में वॉज एन एक्ट प्रोवाइड फॉर द री ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत में जो राज्य की जो पुनर्संगठन पुनर्स्थापना जो है

लैंग्वेज के आधार पे कौन सा राज्य को पहले स्थापित किया गया है तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश है और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो है इसे बनाया गया था एक अक्टूबर उन्नीस को और बाद में इसमें से आ, इसे किससे किस राज्य से निकाला गया था तमिलनाडु राज्य से जो है आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे अलग किया गया था रिओर्गेनाइज किया गया था बनाया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य राज्य का दर्जा मिला गोवा नहीं था स्टेटहूड मिल गया फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट फिफ्टी सिक्समेंट फिफ्टी नाइन्थमेंट फोर्टी एमेंडमेंट सही जवाब क्या होगा सही जवाब इसका हो जाएगा छप्पन जब संविधान को फिफ्टी सिक्स टाइम जब अमेंड किया गया सुधार किया गया

एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया कि एमपी एमएलए का इसके दायरे में पड़ गए तो उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अब वो ना रहेंगे, ना एमएलए रहेंगे ना ही election, कर पाएंगे। 59 कि पंजाब में जब भी जरूरत हो के द्वारा जो पंजाब में जब भी जरूरत हो क्योंकि बॉर्डर स्टेट से लगा हुआ पाकिस्तान वगैरह से लगा हुआ है तो जब भी जरूरत हो और डीम डिमनेसरी जरूरी हो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो तो इमरजेंसी घोषित कर सकता है अंडर द एमेंडमेंट द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंड अप टू थ्री ईयर्स और इस नियम के आधार पर राष्ट्रपति इमरजेंसी होगा तो राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा और राष्ट्रपति का शासन तीन साल तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है फोर्टी अमेंडमेंट की बात करें जो कि उन्नीस सौ चौरासी की बात है तो बहुत सारे मुद्दे हैं हल्के हल्के तौर पर कर रहे हैं ताकि आपका फूड एस आई भी हो जाए बड़े बड़े एग्जाम भी आप इसे दे सकते हैं द डीपीएसपी भारत के नीति निर्देश डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन देश वो बोर्ड फॉर्म तक बताइए भारत के डीपीएसपी जो भारत के जो संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये सम, किस संविधान से ये जो है गुन लिया गया है नॉर्वेजियन ऑस्ट्रेलियन स्पैनिश या फिर आयरिश कहाँ से लिया गया है तो इसका सही जवाब होगा आपका आयरिश ठीक है द कॉन्शियस असेंबली ये एक अलग से जीके की बात है जो संविधानिक सभा था जिसने भारत को संविधान दिया 26 नवंबर उन्नीस को और छब्बीस जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स किया गया इसे रिपब्लिक डे मनाते हैं दो साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान भारत के संविधान को तैयार करने में याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द राइट टू इक्वेलिटी कह रहा है कि भारतीय संविधान की वो कौन सी धारा है जो समानता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी हर कोई समान है इस बात को डील करता है किस आर्टिकल में कहा गया है तो सही जवाब क्या होगा आर्टिकल नंबर फोर्टीन टू एटीन जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने नोट्स दिए थे ठीक है और सब कुछ यह दिया हुआ है आर्टिकल फोर्टीन जो है आ, कानून के सामने जो है हर व्यक्ति समान होगा जो देश के दायरे के अंदर होगा आर्टिकल पंद्रह कहता है कि हम किसी भी तरह का भेदभाव किसी नागरिक से नहीं कर सकते हैं धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आर्टिकल सोलह जो है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर देगा आर्टिकल सेवनटीन कहता है

किसी भी कारखाने माइन खदानों में उसे काम करवाए इसके लिए मना ही है आप ये बाल मजदूर नहीं कर सकते हैं किस आर्टिकल में यह कहा गया इस प्रॉफिट है ये मना है तो इसका सही आंसर क्या होगा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फोर क्या है ये आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फोर ठीक है ये कह रहा है जो चाइल्ड लेबर की हम बात करें जो है काफी बच्चों के लिए बच्चों के लिए काफी हजर होता है फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली

दो हजार सात में राइटकेशन चाइल्ड पैटोलॉजी का एक बहुत बड़ा अच्छा पार्ट है पढ़ना पड़ता है हमें ठीक है और ये क्या होगा दो हजार नौ क्या होगा ये दो हजार नौ अगला सवाल है आर्टिकल डैश ऑफ दूसरे लेस डाउन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन दूस वो कौन सी धारा हमारे देश के संविधान की जो कि ये बना कहती है एक, एक प्रक्रिया बताती है फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप भारत के संविधान में बदलाव कर सकते हैं आखिर किस आर्टिकल के जरिए ये कर सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिसे हम लोग एमेंडाबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एमेंडबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप I think part 20 की हम बात कर रहे हैं पार्ट ट्वेंटी की बात कर रहे हैं जहां बात करते हैं article number 368 की तो इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है है आगे है, the 74th Amendment Act of 1982, में जो चौहत्तरवे बार जब हमारे संविधान का संशोधन हुआ था तो उसने एक नया पार्ट भाग चैप्टर एड कर दिया था भारत के संविधान में कौन सा पार्ट था वो ठीक है चार ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे वो था पार्ट नाइन ए सारे पार्ट के बारे में मैंने इसी स्लाइड में सब कुछ बता दिया था एक एक पार्ट को मैंने पढ़ा कौन सा आर्टिकल है ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आपका पार्ट नाइन ए सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेवेंटी एथ सेवन सेवेंटी थर्डेंटी फोर्थ आपने पढ़ा इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है आर्टिकल जो सत्तरवे बार जब हमारे देश संविधान का जब संशोधन हुआ तो इसमें क्या था इंक्लूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली दिल्ली के विधानसभा को शामिल किया गया एंड तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा तो क्या पड़ा हमने? कि जो दिल्ली है पुडुचेरी का विधानसभा में, में हिस्सा ले सकते हैं ठीक है कब उन्नीस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेवेंटी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसमें नेपाली मणिपुरी भाषा को हमारी आठवीं अनुसूची जो कि भाषा की अनुसूची है इसमें डाला गया कोनी नेपाली और मणिपुरी को और कुल अठारह भाषाएं उस समय शामिल हो गए उन्नीस में सेवेंटी की अगर हम बात करें तो ये किस बात को रिलेट करता है ग्राम पंचायत को रिलेट करता है उन्नीस में सेवेंटी फोर्थ की हम बात करें जो कि पार्ट नाइन ऐड करता है तो इसने ये म्यूनसिपैलिटी की बात करता है उन्नीस में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत शानदार इंपॉर्टेंट नोट्स है द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाईकेमरल पार्लियामेंट इन दूस इंडिया वॉज गॉट फ्रॉम द डेस्ट कॉन्ट्यून भारतीय संविधान में एक प्रोविजन है कि राज्यों का बाइक एमरल लेजिस्टेशचर हो सकता है बाइक मतलब विधानसभा भी हो सकता है विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की अवधारणा है यह अवधारणा हमारे संविधान में ऐड की गई कहाँ से ली गई फ्रेंच कनेडियन आयरिश या ब्रिटिश से तो ये लिया गया था कहाँ से ब्रिटिश से लिया गया था कहाँ से लिया गया था ब्रिटिश संविधान से लिया गया कि बाई कैमरा लेजिस्लेचर होगा पर सभी राज्यों में नहीं है छह या सात राज्य ऐसे हैं भारत में जहां कैमरा यानी केवल विधानसभा इस बात को है टाइमली रिस्पॉन्स देना होगा अगर भारत का नागरिक जो है कोई सरकारी इंफॉर्मेशन सरकार से चाहते हैं और अगर वो सुरक्षा मामलों से नहीं जुड़ा हुआ है सेंसिटिव नहीं है तो सरकार को उस पर जवाब देना पड़ेगा तो राइट टू इंफॉर्मेशन कब का है ये ये दो हजार पांच हाउ मेनी शेड्यूल दो हजार संविधान में अब तक कितनी आ गई हैं ऑलरेडी तो इसका आंसर होगा टोटल कितने शेड्यूल्स हैं टोटल आपके कितने शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल हैं टोटल कितने शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल हैं ठीक है तो ये था वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के फूड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल साथ में हर सवाल के जवाब के साथ और भी कुछ अलग से नोट्स और इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सवालों के साथ साथ आप कर सकते तो ये सिर्फ चालीस क्वेश्चन नहीं थे बल्कि ये अगर आप देखा जाए तो दो से भी अधिक क्वेश्चन के बराबर है अगर आप इसे थॉरली स्टडी करते हैं ये नोट्स मैं आपको आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा इसे अगर आप थॉरली स्टडी करते हैं तो विश्वास करें आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई भी सिर्फ फूल ऐसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी एनुअल एग्जाम जहां का जीके का एक पार्ट है संविधान से सवाल आते हैं उसके लिए बहुत शानदार आपको हेल्प मिलने वाली है बशर्ते जरूर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो सच में अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें काबिल अकाडमी चैनल का नाम है काबिल अकाडमी की प्ले स्टोर पे ऐप भी है डाउनलोड करें ठीक है मैं राजेश सर आप हमसे लेता हूँ विदा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में थैंक यू